अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किचन विद तस्मी। आज मैं आपको दो तरह के फ्राइज़ बनाना सिखा रही हूँ। एक तो फ्रेंच फ्राइज जो सादे होते हैं वो बनाएंगे और एक हम मसाला फ्राइज़ बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए मैंने 2 अदद आलू लिए थे और आलू को हम इस तरह से काट लेंगे। अगर आपके पास फ्रेंच फ्राइज मशीन है तो आप उसमें भी काट सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप इस तरह छुरी की मदद से भी इसे काट सकते हैं। सबसे पहले हम आलूओं का सारा पानी खुश कर लेंगे। इसके लिए मैं यह रोटी का रुमाल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई किचन नैपकिन या टिश्यू से भी इसका पानी खुश कर सकते हैं। इन तमाम फ्राइज़ को एक बोल में डाल दें। अब इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डाल दें। कॉर्नफ्लावर की जगह आप चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1/2 टेबल स्पून इसमें हम नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब तेल गरम करके इसे फ्राई कर लेंगे। फ्रेंच फ्राइज तैयार हैं। मसाला फ्राइज बनाने के लिए मैंने 2 अदद आलू लिए थे। इन्हें मैंने फ्राइज की शेप में काट लिया था। 1/2 कप के करीब मैदा लिया है, इसे मैंने छान लिया था। अब इसमें 1 टेबल स्पून बेसन डाल दें। हसब ज़रूरत नमक शामिल करें। 1/2 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा डाल दें। 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो मत डालें। इसका कोई टेस्ट नहीं होता, ये सिर्फ कलर के लिए इस्तेमाल की जाती है। और 1/4 टीस्पून मीठा सोडा डाल दें। अब इसमें हसब ज़रूरत पानी शामिल करके हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर हमें बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना और ना बहुत ज़्यादा पतला बनाना है, नॉर्मल बैटर तैयार करना है। अब फ्राइज़ को इस बैटर में डालकर मिक्स कर लेंगे। तेल गरम करें और मसाला फ्राइज डालकर फ्राई कर लें। इसे फ्राई करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तभी हम इसको पलटेंगे। उससे पहले अगर हम इसको टर्न कर देंगे तो इस पे जो हमने कोटिंग लगाई थी वो कोटिंग ख़राब हो जाएगी। बस हमारे मसाला फ्राइज भी तैयार हो गए। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।